नाउ नेक्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस अगेन. फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया अबाउट कॉल बाई वैल्यू, सेम एग्जांपल डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू कॉल बाई रेफरेंस. मीन्स दोनों केस में एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट किया जाए, स्वैप फंक्शन. फर्स्ट केस में स्वैप फंक्शन कॉल हुआ जाए कॉल बाई वैल्यू, सेकेंड केस में स्वैप फंक्शन को कॉल कैसे करा जाए कॉल बाई एड्रेस. क्यों कॉल बाई एड्रेस के केस में पैरामीटर x और y के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, x के रिस्पेक्ट में x का वैल्यू पास हो रहा है एड्रेस एड्रेस, सेम y के रिस्पेक्ट में पास क्या हो रहा है एड्रेस. फर्स्ट केस में x और y दोनों के रिस्पेक्ट में सप्लाई किया हुआ वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y, इसलिए इस फर्स्ट केस को नेम देंगे जब कॉल y वैल्यू, सेकेंड केस को कॉल y रेफरेंस. ऑलरेडी डिस्कस किया था कॉल y वैल्यू के केसेस में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का वैल्यू कभी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू चेंज करना पॉसिबल नहीं है, जबकि कॉल बाई रेफरेंस के केस में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके चेंज करना पॉसिबल है. जब भी किसी लोकल मीन्स जनरली कॉल बाई रेफरेंस सबसे हेल्पफुल कॉन्सेप्ट इस केस में. नॉर्मली अगर देखा जाए किसी भी फंक्शन के लोकल वैल्यूज को आउटसाइड फंक्शन कभी मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है, बट सपोज डैट किसी प्रोजेक्ट लेवल पर अगर आपके पास इस टाइप के रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी फंक्शंस के लोकल वेरिएबल्स का वैल्यू फंक्शंस के बाहर चेंजेस कराना है, उस केस में यूज क्या करेंगे कॉल बाई रेफरेंस. कॉल बाई रेफरेंस का यूज करके किसी फंक्शंस के लोकल वेरिएबल्स आउटसाइड फंक्शन भी मॉडिफाई करना पॉसिबल इनडायरेक्टली बाय यूजिंग पॉइंटर्स. फर्स्ट केस टेक डायग्राम फर्स्ट वन. सबसे पहले कॉल क्या हो रहा है मेन फंक्शन, मेन के रिस्पेक्ट मीन्स अगेन प्रोवाइड क्या करेंगे स्टैक डायग्राम, यू आर क्रिएटेड स्टैक स्मॉल ब्लॉक्स एड्रेस है 100, 98, 96, 94, 92. देन आउटपुट विंडो फर्स्ट वन. सबसे पहले मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें. मेन के रिस्पेक्ट में टू लोकल वेरिएबल्स हैं वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई. ऑलरेडी डिस्कस किया था अगर किसी भी लोकेशन का एड्रेस एन है उसका एक और नेम क्या हुआ स्टार एन. जैसे इस लोकेशन का एड्रेस 100 है इसलिए इसका एक और नेम क्या हुआ स्टार 100, सेम है स्टार 98. एक्स का इनिशियल वैल्यू असाइन किया है 10, वाई का इनिशियल वैल्यू क्या है 20. इस केस में सिंपली एक्स और वाई का वैल्यू स्वैप फंक्शन के कॉल होने से जस्ट पहले भी डिस्प्ले कराया है, देन अगेन डिस्प्ले कराया है वैल्यू ऑफ एक्स वाई आफ्टर कॉलिंग स्वैप फंक्शंस. मीन्स चेक करेंगे स्वैप फंक्शन के कॉल होने के बाद एक्स और वाई में चेंजेज होने के चांसेस हैं कि नहीं बाई यूजिंग एग्जाम्पल्स. प्रिंट एफ फर्स्ट केस में एक्स वाई का वैल्यू डिस्प्ले होगा, स्लैश एन यूज किया है इसलिए लाइन चेंज हो जाएगा डिस्प्ले होने के जस्ट बाद. सबसे पहले एक्स वाई, एक्स और वाई में 10, 20 फाउंड हो रहा है इसलिए डिस्प्ले क्या हो जाएगा सिंपली 10, 20. मीन्स इस एग्जाम्पल में कुछ भी नया नहीं है आपके लिए. देन उसके बाद जस्ट कॉल क्या हो रहा है स्वैप. जब स्वैप फंक्शन कॉल होगा देन मेमोरी एलोकेट होगा लोकल वेरिएबल ऑफ स्वैप फंक्शन पी क्यू एंड वन मोर वेरिएबल इज टी. पी के केस में क्या साइन हुआ है मीन्स जब स्वैप फंक्शन कॉल हुआ एक्स के प्लेस पर क्या पास हो रहा है वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स 10, y के प्लेस पर क्या पास हो रहा है वैल्यू ऑफ y विच इज 20. इसलिए फर्स्ट वैल्यू 10 केस में साइन हो जाएगा इनसाइड p, सेकेंड वैल्यू 20 साइन होगा इनसाइड q. p का वैल्यू क्या है इस केस में अगेन 10, q का वैल्यू क्या है 20. मीन्स x और y का वैल्यू कॉपी हुआ है इनसाइड पी क्यू. मीन्स सिंपली अगर आप कहीं भी जेरोक्स करा दे या फोटो कॉपी करा दे, सपोज अगर आपके पास कोई पेज अवेलेबल है लाइक दैट विद सम कंटेंट्स, दिस इज ओरिजिनल पेज. ओरिजिनल पेज के अगर आप फोटो कॉपी या जेरोक्स करा दो, जेरोक्स के केसेस में एक और पेज क्रिएट हुआ कॉपी ऑफ ओरिजिनल पेज. इस केस में कंटेंट्स दोनों केस में सेम होंगे. अगर आप जेरोक्स कॉपी में कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंज कर दो या चीयरअप करोगे तो इस केस में ओरिजिनल कॉपी से इफेक्ट हो रहा है क्या नहीं. सेम केस किस केस में इन दैट केस, इस केस में ओरिजिनल कॉपी क्या है मीन्स एक्स और वाई, एक्स एंड वाई को कंसिडर करें एज ओरिजिनल कॉपी, लेकिन इनका वैल्यू किस में आसान हुआ था पी क्यू में, इसलिए पी एंड क्यू को कंसिडर करेंगे एज कॉपी ऑफ एक्स एंड वाई. इस अगर पी क्यू में कोई भी चेंजेस करोगे तो करेस्पॉन्डिंग एक्स वाई में कोई भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. T में क्या आसान हुआ है P, P का वैल्यू क्या है 10. देन P में क्या आसान हो रहा है क्यू, मीन्स क्यू का वैल्यू क्या करंटली 20 कॉपी किस में हो जाएगा इनसाइड P बिकम्स 20. लेकिन P का वैल्यू अभी भी किसके पास है T के पास, T का वैल्यू 10 है इसलिए 10 किस में आसान हो जाएगा क्यू में, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 10. मीन्स P और Q तो मॉडिफाई हुआ है लेकिन X और Y में कोई भी चेंजेस परफॉर्म हुए क्या नहीं. देन इसके जस्ट बाद कंट्रोल सेंड हुआ रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस, देन परफॉर्म किया हुआ डी एलोकेशन ऑफ टी पी एंड की मीन्स लोकल वैल्यू ऑफ स्वैप फंक्शंस. जब कंट्रोल वापस आएगा उसके बाद फिर से डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अभी भी एक्स में क्या स्टोर है 10 एंड वाई में क्या स्टोर है 20. मीन्स नेक्स्ट टाइम भी क्या डिस्प्ले हुआ 10, 20, 10, 20.
सी द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कॉल बाय रेफरेंस, सॉरी कॉल बाय वैल्यू। सेकेंड केस में सेम फंक्शन अगेन इंप्लीमेंट किया विद रिस्पेक्ट टू कॉल बाय रेफरेंस, अगेन स्टैक डायग्राम। स्टैक डायग्राम के केस में मेमोरी एड्रेसिंग एज 100, 98, 96, 4 and 92। सबसे पहले मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें, मेमोरी एलोकेशन फॉर एक्स, मेमोरी एलोकेशन फॉर वाई विद इनिशियल वैल्यू 10, 20। सेकेंड केस में प्रिंट ऐप के थ्रू डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का इनिशियल वैल्यू क्या है 10, 20, मीन्स दिस इज इनिशियल और ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स वाई बिफोर कॉलिंग स्वैप फंक्शंस। लेकिन सेकेंड टाइम में जब स्वैप फंक्शन कॉल किया तो स्वैप में फर्स्ट केस में क्या रिप्लेस होगा, एड्रेस ऑफ एक्स, डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स का एड्रेस क्या है 100। सेकेंड केस में क्या पास हो रहा है, एड्रेस ऑफ वाई, डायग्राम के अकॉर्डिंग वाई का एड्रेस क्या है 98। अगेन ये 100 केस में आसान होगा, वेरिएबल पी क्यू में कैसा हो रहा है 98। इस जब स्वैप फंक्शन कॉल होगा तो मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होगा लोकल वेरिएबल ऑफ स्वैप पी एंड क्यू, पी के केस में क्या पास हुआ है 100, क्यू के केस में 98। एक और लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा जैसे टी, लेकिन टी में क्या आसान हो रहा है स्टार पी, स्टार पी में पी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ पी, पी में क्या स्टोर है 100, दिस इज सीम्स और एक्स लाइक है स्टार 100, स्टार 100 मीन्स वैल्यू ऑफ 100 लोकेशन, 100 लोकेशन में 10 स्टोर है, फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा 10, 10 कॉपी हो जाएगा इनसाइड टी, मीन्स टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। इसके जस्ट बाद स्टार पी, पी के प्लेस पर क्या जाएगा 100, क्यू के प्लेस पर क्या जाएगा 98, मीन्स स्टार 98 में करेंटली क्या स्टोर है, स्टार 98 मीन्स दैट लोकेशन एंड स्टार 100, स्टार 98 में क्या है जिस लोकेशन का एड्रेस 98 है उस लोकेशन का नेम क्या है स्टार 98, वैल्यू क्या है 20, तो स्टार 98 के प्लेस पर क्या आएगा फाइनली 20 उस लोकेशन में सन हो जाए जिसका नेम स्टार 100 है, मीन्स दैट प्लेस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20। मीन्स इस केस में स्टार पी में असाइनमेंट किया लेकिन इनडायरेक्टली चेंजेस किस होंगे एक्स में, सेम एस टी का वैल्यू क्या है 10, स्टार क्यू, क्यू के प्लेस पर क्या जाएगा वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू का वैल्यू क्या है 98, इसे स्टार 98 में कैसा होगा 10, स्टार 98 मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से वाई, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। इसके जस्ट बाद जब कंट्रोल वापस आएगा दैन डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स का वैल्यू क्या है आफ्टर कॉलिंग स्वैपिंग 20 एंड 10। इस द एग्जैक्ट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्वैपिंग ऑपरेशंस।